कृपालु मंदिर आ गया, दूर से आप लोग को मंदिर दिखाई दे रहा है। अरे हमारा साथ मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही दर्शनार्थी पुण्यार्थी आता है ये मंदिर दर्शन करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए। Take the next left, then turn left. कृपालु समाधि मंदिर का मेन गेट है, देखिए। मैं मंदिर का आंगन में जा रहा हूँ धीरे धीरे। मंदिर का आंगन देखिए, मंदिर का आंगन बहुत दर्शनार्थी पुण्यार्थी आता है ये मंदिर दर्शन करने के लिए। कृपालु समाधि मंदिर मंदिर दर्शन करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए कितना दर्शनार्थी पुण्यार्थी आया ये समाधि मंदिर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। दूर से मंदिर देखिए, कृपालु समाधि मंदिर। मंदिर का आंगन देखिए, मंदिर का आंगन देखिए, बहुत ही दर्शनार्थी पुण्यार्थी आया कृपालु समाधि मंदिर दर्शन करने के लिए। मैं धीरे धीरे कृपालु समाधि मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मंदिर का आंगन में मैं हूँ। मंदिर दर्शन करिए दूर से। हाय पार्थ बोस ब्लॉग का तरफ से आप लोग को स्वागत है। आज मैं कृपालु समाधि मंदिर में आया, मंदिर दर्शन करिए। ये मंदिर बड़ौदा सिटी से करीब 70 किलोमीटर का आसपास है मंदिर है। तो चलिए मंदिर दर्शन करने के लिए, समाधि दर्शन करने के लिए, शिवलिंग दर्शन करने के लिए। मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ, बने रहिए हमारे साथ मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर में नंदी और शिवलिंग दर्शन करिए। समाधि का दर्शन देखिए, समाधि का दर्शन करने के लिए इसी जगह से जाना पड़ेगा। कृपा
समाधि इधर ही हुआ था, समाधि समाधि मंदिर। समाधि मंदिर ग्राउंड फ्लोर में है, नीचे है। शिव मंदिर ऊपर है, समाधि मंदिर नीचे है। समाधि मंदिर देखिए, बहुत ही दर्शनार्थी पुण्यार्थी आता है ये मंदिर दर्शन करने के लिए। बड़ौदा सिटी से 70 किलोमीटर दूर है मंदिर। आपका नाम क्या है सर? परमार जयदेव सिंह गजेंद्र सिंह। ये कृपानु गुरुजी था, मंदिर जिसका नाम के बनाया हुआ है कृपानु सर, समाधि मंदिर। बताइए ना इसका पौराणिक कहानी। पहले वो आश्रम में रहते थे, इसके बाद वो अमेरिका गए। 20 साल तक इसने बोला नहीं, बराबर 20 साल के बाद इधर आके बोले। फिर अमेरिका गए, अमेरिका बीमार होने के बाद बॉम्बे आए। बॉम्बे आने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ी तो वो गांधीनगर गए, वहाँ इसने देह निर्माण कर दिया। 24 घंटे के बाद इसको टचिंग किया। इसने बोला था 24 कलाक के बाद मेरे को टचिंग करना। इसका जो चेला है राजर्षि मुनि, वो इधर से गए थे बाय एयर बॉम्बे। और वो लेके आए बराबर, तो इसका इसने बोला था कि मेरा जो मंदिर समाधि मंदिर है वो आश्रम के सामने बनाने का। ये जमीन पहले से एक्वायर किया हुआ था। कितना पुराना? बहुत पुराना मंदिर है। ये 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना मंदिर है। और ये आश्रम है ना, वो करीबन 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना आश्रम है। गुरु जी की इधर ही जन्म लिया था? नहीं, गुरु जी डबोई में ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, इसके बाद वो एराल गए ठाकुर साहब के वहाँ। फिर वहाँ से वो गए नर्मदा तट पे। वहाँ से आए मलाव। समाधि मंदिर का ऊपर शिवलिंग को भी है। वो ब्रह्मेश्वर दादा है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे। मैं देखा, बहुत ही श्रद्धालु पुण्यार्थी दर्शनार्थी मंदिर में आता है। तो ये मंदिर में मन्नत करता है? हाँ, तो पूरी हो जाती है मन्नत। दिल से मन से पूरी हो जाती है सर। धन्यवाद सर शेयरिंग करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या बोल रहे हैं? मंदिर कमेटी में आप हैं? हाँ, कमेटी में है। आचार का आज कुछ बोल रहे थे आप? वो इधर कमेटी में हूँ। और हरिद्वार जो हमारा है वहाँ वो मैं इंस्पेक्शन इंचार्ज हूँ। मेरी सही से सब कुछ सब इफेक्ट होता है। तो आपसे मुलाकात हो, बहुत अच्छा लगा सर। आपका नाम क्या है सर? जयदीप सिंह। आप किधर रहते हैं? इधर मलाव के पास में रहता हूँ। अच्छा, मंदिर में आता रहता है? हाँ, मंदिर में। कैसा लगता है मंदिर? मंदिर में आने से अच्छा लगता है, शांति लगता है। ब्यूटीफुल फ्लावर देखिए मंदिर के आंगन में, बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है मंदिर।
बेबी ने नहीं ले। एक बार जरूर आना ये मंदिर दर्शन करने के लिए, समाधि दर्शन करने के लिए, शिवलिंग दर्शन करने के लिए। मंदिर में भोग का प्रसाद मिलता है, देखिए कृपालू समाधि मंदिर का पार्किंग जोन देखिए, पार्किंग एरिया, कृपालू समाधि मंदिर का पार्किंग एरिया। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब अच्छा रहना, टेक केयर।